कॉलेज स्टूडेंट अनीशा कुमारी की मौत से बौखलाए लोगों ने आज बीआईटी मेसरा ओपी का घेराव किया। वहीं पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर पुलिस को खूब कोसा। गुस्साए लोगों का इल्जाम था कि इंटर की छात्रा अनीशा को मारकर फांसी पर लटका दिया गया। अनीशा के पिता सरदीप राम ने 3 संदेही गुनहगारों के नाम और ठिकानों तक के बारे में पुलिस को बताया है। उनका इल्जाम है कि अनीशा घर में जब अकेली थी तब 3 लड़के उनके घर में घुस आए और उसके साथ गलत कर उसे मारकर फांसी के फंदे पर लटका दिया। बतौर मुआवजा 25 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। वहीं परिवार के एक सदस्य को नौकरी और कुकर्मियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की गई। मौके पर पहुंचे सदर के थानेदार और अन्य पुलिस अधिकारियों ने आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया कि पुलिस पूरे मामले का अनुसंधान कर रही है। जांच में जो कोई दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद थाना का घेराव हटा लिया गया। अनुसंधान मल्टी डायमेंशन में चल रहा है। जो भी चीजें सामने आएगी अभियुक्त मामलों को गिरफ्तार करेंगे। ग्रामीणों के द्वारा और परिजन के द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसमें रोजगार और सहयोग राशि के रूप में, तो इसमें हम लोगों ने सभी परिजन को और यहाँ स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया है। अनुसंधान हम लोग द्रुत गति से करेंगे और गहराई से इस संदर्भ में कल से ही हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी दोषी रहेंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। शीघ्र हम लोग करवाएंगे।